आप देख लो मेरे पीछे ये गुरुद्वारा है, ये पुराना मार्केट है चांदनी चौक का। ये चांदनी चौक की गलियां हैं जहाँ की मार्केट सबसे सस्ती लगती है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं खरीदता क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर चीजें लड़कियों के ही मिल रही थी। खैर ये है दोस्तों गौरी शंकर टेम्पल, जहाँ एक ही मंदिर में आपको भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। शंकर मंदिर चांदनी चौक का, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग एक ही मंदिर में है। और ये है दोस्तों एक और मंदिर, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक। इसके ठीक सामने था दोस्तों लाल किला, दिल्ली का फेमस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल लाल किला। यहाँ शाम के टाइम इतना ज्यादा भीड़ था कि नजदीक जाने के लिए मुझे 20 से 30 मिनट लग गए। यहाँ का क्लोजिंग टाइम दोस्तों शायद 8 बजे का है। देख लो दोस्तों शाम का नजारा, दिल्ली के लाल किले। भारत में घूमना बहुत ही आसान है और सस्ता भी है दोस्तों, बस आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे जाना है। और आप यहाँ जब आए तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात, लाल किला के पास चोरों से सावधान रहे, यहाँ चोरी बहुत होती है। खैर यहाँ तो सारे लोग पिक्स रील्स और वीडियोस बना रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि इतने कम में आसानी से यहाँ पे आ गया मैं, और 360 रुपए अभी भी मेरे जेब में पड़े थे। यहाँ का माहौल ऐसा था दोस्तों कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, पर फिर भी मैं चल देता हूँ यहाँ से। अब रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली जो चांदनी चौक में ही है, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो आप आ जाओगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये भी चोरों से भरा हुआ रेलवे स्टेशन है, यहाँ स्कैम बहुत सारे होते हैं तो स्कैम से आपको बच के रहना है। यहाँ स्टेशन पे शाम के टाइम उतना ज्यादा भीड़ भी नहीं था दोस्तों, 9 बज रहे थे दोस्तों। यहाँ से मैं टिकट कटा लेता हूँ 265 रुपए के, जो कि यहाँ से लास्ट ही ट्रेन थी आज। और मैं खाने के लिए ट्रेन में 60 रुपए की बिरयानी पैक करा लेता हूँ, चल देता हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए।